नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मंगलवार के दिन देव शयनी एकादशी है। आषाढ़ मास की ये अंतिम एकादशी है। इस दिन से दोस्तों सारे देवी देवता शयन करते हैं। भगवान श्री हरि इस दिन शयन करने के लिए अपनी योग निंद्रा में चले जाते हैं। तमाम मांगलिक कार्य, शादी ब्याह और भी जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, वे तमाम ही आज के दिन से चार महीने तक, मतलब कि देव उठी एकादशी तक बंद हो जाते हैं। चार महीने भगवान शयन करते हैं। ये चार महीने जो मुनिजन हैं, वे तो बहुत बहुत कठिन कठिन नियम पालते हैं और उनका फल भी उन्हें बहुत जबरदस्त मिलता है। जो गृहस्थ हैं उन्हें भी, वे भी यदि चार महीने कोई अच्छा नियम पाल ले, कोई भी एक नियम ले ले, तो उनकी लाइफ बन जाएगी। नो डाउट बन ही जाती है। बहुत ही बढ़िया दिन है ये देव शयनी एकादशी। दोस्तों, वैसे तो सोमवार के दिन रात को 9:59, मतलब समझिए रात को 10 बजे से शुरू हो रही है, जो मंगलवार के दिन रात 7:17 तक रहने वाली है। इसलिए देव शयनी एकादशी जो मनाई जा रही है, वो मंगलवार के दिन ही मनाई जाएगी, सोमवार के दिन नहीं मनाई जाएगी। ठीक है, पढ़ना दोस्तों इसका सोमवार के दिन, बुधवार के दिन होगा। तो बहुत ही बढ़िया दिन है। इस दिन आपको नहा धोकर के, स्वच्छ होकर के भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करनी है। ये उपाय करने हैं जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। कोशिश करें इसमें से जो भी आप कर सकते हैं अवश्य ही करें। इन उपायों को करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद सदैव आपके साथ बने रहेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको नहा धोकर के, स्वच्छ होकर के भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करनी ही करनी है। इस दिन कोशिश करें आप पीले रंग के कपड़े पहने। पीले रंग के कपड़े भाग्य के सूचक होते हैं, लक्ष्मी प्रदान होते हैं। तो इस दिन दोस्तों पीले रंग के कपड़े अवश्य ही पहनने की कोशिश करें। भगवान श्री हरि की आप सेवा पूजा करें। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा भी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मेरे घर में अर्थात धन आए, वे लोग माता लक्ष्मी की पूजा भी साथ में अवश्य ही करें। मतलब कि आप लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन दोस्तों आप दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरे, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डालें और उस जल से आप भगवान श्री हरि का अभिषेक करें। आज के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर यदि अपने घर में छिड़कते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। आज के दिन आप मंदिर में जाएं, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाएं और अनाज का दान करें। पहले आप अनाज भगवान श्री हरि को अर्पित करें और उसके बाद उस अनाज का आप गरीबों को दान कर दें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। दोस्तों, आज के दिन आप भगवान श्री हरि के आगे पीले फूल चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई और पीले रंग के आप उन्हें कोई भी फल अर्पित करें। कलर पीला होना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि की सदैव आपके ऊपर कृपा बरसती रहे। इस दिन पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ पर आप अर्पित करें, क्योंकि पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि का वास होता है। जो लोग अपने पितरों की सेवा पूजा करना चाहते हैं, जो लोग पितृ दोष से परेशान हो, वे लोग काले तिल मिला करके जल आज के दिन पीपल में अवश्य ही अर्पित करें। ठीक है, आज के दिन दोस्तों संध्या समय तुलसी के गमले के आगे घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, तुलसी माता को स्वच्छ जल अवश्य ही चढ़ाएं। मतलब कि पीपल की भी आज के दिन आपको पूजा करनी है और तुलसी माता की भी अवश्य ही आपको पूजा करनी है। आज के दिन भगवान श्री हरि का जो मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री विष्णवे नमः, इसमें से कोई भी मंत्र आप उठा लें और कम से कम एक माला जाप अवश्य ही करें। मतलब 108 मंत्र आप अवश्य ही बोलें। तुलसी की माला से आप इस मंत्र को करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की आपके ऊपर कृपा बरसती है। आज के दिन पक्षियों को बाजरा अवश्य ही खिलाएं।
बाजरी का दान करने से आपके ऊपर आने वाले जो संकट है वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। नौकरी धंधे से जुड़े हुए भी यदि कोई समस्या है तो उसमें भी आपको राहत बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी गरीब व्यक्ति हो उसे भरपेट भोजन अवश्य ही कराए। गरीब को भोजन कराने से तमाम प्रकार के दुख दर्द आपके भी दूर हो जाते हैं और हमेशा के लिए भगवान श्री हरि की आपके ऊपर कृपा बरसने लग जाती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन उपायों को आज के दिन आप अवश्य ही करें। पूरे दिन जितना ज्यादा हो सके आप भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते रहें। तो करते रहें इन उपायों को और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।